of course, the one, the only Aamir Khan. जितनी तारीफ की जाए यहां इस बैंड की कम होगी. लेकिन उदित जी, फॉर यू मैं आपसे ही शुरू करता हूं सर. आपका एक्सपीरियंस सिंगिंग विद दीज वंडरफुल पीपल, क्या बोलना चाहेंगे सर? मैं कंग्रेचुलेशंस देना चाहता हूं श्रीकांत के पूरे टीम को और हमारे सुपरस्टार आमिर साहब हैं. और मैं 36 साल पुरानी यादों में चला गया हूं. 36 साल हो गए, 36 years now. Can't believe के मतलब 36 साल के बाद भी आप लोगों के दिलों में ये म्यूजिक, ये गाना छाप बन के तभी भी था और अभी भी छाप है, छाप बन के. बिल्कुल बिल्कुल. एंड इसके लिए मैं टी सीरीज को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं. मुझे अभी तक याद है कि 36 साल पहले इस फिल्म का गाना था और आमिर साहब सामने बैठे थे तो कहा कि इस हीरो के लिए आपको गाना है. तो मैं तो डरा हुआ था. मैं बोला कि अगर ये पिक्चर, ये गाना अगर नहीं, मतलब ये गाना अगर अच्छा नहीं गाया मैंने तो फिर मेरा बुरिया बिस्तर भी रेडी था घर जाने के लिए, गांव जाने के लिए. ये सच है. और मुझे देखे तो खास उनको ये डर हुआ कि अच्छा ये हीरो है तो मेरा बोरिया बिस्तर तो कंफर्म है वापस जाने का. लेकिन थैंक्स टू गॉड एंड ऑल योर ब्लेसिंग्स के कयामत ही ढा गया और अभी इस फिल्म में भी ये गाना आया हुआ है और आमिर साहब आज यहाँ आए, लॉन्च कर रहे हैं तो ये फिल्म भी सुपरहिट ही है. क्या बात है. वेल ही सेड इट. एक बार जोरदार तालियां उदित सर के लिए प्लीज. आमिर सर, मैं ये टीम श्रीकांत से बात करूंगा, बट बिफोर दैट यू नो नॉस्टैल्जिया इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, गोइंग बैक उस पुराने दौर में. और आज भी ये इतना फ्रेश है. आई एम श्योर आपको देख के बहुत सारे लोग कहते होंगे आपको देख के बड़े हुए हैं, लेकिन लोग बड़े होते जा रहे हैं सर, आप वहीं के वहीं हैं. गाना आपके जितना ही फ्रेश है, क्या बोलना चाहेंगे सर? एक्चुअली आई एम सो हैप्पी आई एम हियर टुडे. दिस वंडरफुल टीम ऑफ म्यूजिशियंस एंड सिंगर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया हमारे लिए और हमारी यादें ताज़ा हो गई. मुझे नासिर साहब याद आ रहे हैं, मुझे मंसूर याद आ रहे हैं और आनंद मिलन याद आ रहे हैं. एंड यू नो दिस सॉन्ग इज बीन मजरू साहब मुझे याद आ रहे हैं जिन्होंने ये गाना लिखा है. सो इट्स अ वंडरफुल इवनिंग एंड मुझे इतना मज़ा आया दोनों गाना सुन के. पापा कहते हैं और मेरे हम सब इतने खूबसूरत गाने हैं जो ये टीम ने बनाया था. एंड थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग इट फॉर अस. इट वॉज रियली अ यू नो वॉक डाउन मेमोरी लेन फॉर मी एंड फॉर रिदित एंड आई गेस ऑल ऑफ अस इन वन वे और द अदर. इट वॉज अ वॉक डाउन मेमोरी लेन फॉर ऑल ऑफ अस. एंड 35-36 साल हो गए लेकिन वो गाना आज भी उतना ही हमको छूता है एंड इट इवोक्स सच वंडरफुल इमोशंस इन अस. सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच. जोरदार तालियां इस टीम के लिए. लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बड़ी सारी बातचीत करनी है, लेकिन उससे पहले एक क्विक फोटो ऑप विद दिस अमेजिंग टीम हियर एंड वील वॉच द सॉन्ग ऑन द बिग स्क्रीन और उसके बाद इस शाम को आगे बढ़ाते हैं. इस गीत को रिक्रिएट करने के लिए आदित्य देव जी को बधाई देता हूं और जोरदार ताली हो जाए आदित्य देव के लिए. सॉरी उदित सर, तुषार सर इज हियर. तुषार सर प्लीज, ऑफ कोर्स आपके बिना ये पूरी नहीं हो सकती पिक्चर. तुषार हीरानंदानी, लेडीज एंड जेंटलमैन, द डायरेक्टर विद दिस मोस्ट अमेजिंग फैन फॉलोइंग. शरद सर, ऑफ कोर्स शरद सर, वी हैव दिस क्विक फोटो. निधि मैम इज हियर, द प्रोड्यूसर साहिब ऑफ कोर्स. भूषण सर कुड नॉट बी हियर टुडे ड्यू टू सम वर्क कमिटमेंट्स, लेकिन उन्होंने अपनी बेस्ट विशेज ऑफ कोर्स इस टीम के साथ यहां पे भेजी हैं हम सब के लिए. निधि परमार, हीरा नंदानी, लेडीज एंड जेंटलमैन.
क्लिक करते वक्त भी तालियां बजा सकते हैं हम लोग इस अमेजिंग टीम के लिए. थैंक यू सो मच. जैसा मैंने कहा, तुषार सर, बड़े सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी आपसे मांगने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वील टेक अ लुक एट द सॉन्ग ऑन दिस बिग स्क्रीन ताकि और सवाल आ जा सके. और इन रॉक स्टार्स के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां. श्रवण सर, थैंक यू सो मच. आपने बोला भी इतना अच्छा, अभी मुझे घबराहट हो रही है थोड़ी यहाँ पे. थैंक यू.